Parag Singh Ji, Parag Bahadur Singh Ji, Sahulal Singh Ji, Kunilal Singh Ji, Sunil Sarov, Vijay Basant Singh Ji, Narendra Maravi Ji, PCC President, Bengal ke, Umaria ke, Anupur aur Kapti ke, स्टेज पे हमारे सब सीनियर नेता भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया नारा चला है पूरे देश में, जहां भी जाते हैं हर मीटिंग में, मीटिंग में जोड़िए, चौराहे पे, गांव में, शहरों में, चौकीदार शब्द जब कहा जाता है तो देखिए, देखिए जैसे ही चौकीदार शब्द बोला जाता है एकदम तेज जवाब देता है चोर। मगर भाइयों, हिंदुस्तान के सब चौकीदार तो चोर नहीं है ना। हिंदुस्तान के जो चौकीदार है वो तो ईमानदार है, मगर एक चौकीदार ने हिंदुस्तान के बेचारे सब चौकीदारों को बदनाम कर रखा है। पिछले 5 सालों में इस चौकीदारों ने, मैं शांत हो जाए, अब शांत हो जाए, जानता हूं बहुत जोश है। इस चौकीदार ने पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की गरीब जनता से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए चोरी किए हैं। और इस चोरी का सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को, छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस चलाने वाले लोगों को हुआ है। और इस चोरी का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान के 15 अरबपतियों को हुआ है। नाम आप जानते हो, अनिल अंबानी, नीरव, मेहुल, विजय, नाम आप जानते हो, एक बच गया ललित, ठीक है। इन लोगों को नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ रुपए दिया है, 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ किया है। विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, मतलब एक साल का मनरेगा वसूल किया, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ, राफेल ने 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में। पिछले कई सालों में 1,00,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी जैसे चोर हिंदुस्तान के बैंक से चोरी करके हिंदुस्तान से बाहर चले गए। तो पिछले 5 साल में उन्होंने अन्याय किया, अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि 5 साल जो अन्याय हुआ था, अगले 5 साल में हिंदुस्तान के किसानों को, गरीबों को, आदिवासियों को, छोटे दुकानदारों को कांग्रेस पार्टी न्याय देगी। ऐसे देखिए, मैं आपको बताता हूं, वो जो यहां हमारे आदिवासी भाई आए हैं, किसान हैं, आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी, खासतौर से जो महिलाएं आई, आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। देखिए, 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक वालों को बुलाया, उनसे कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, 15,00,000 रुपए देने की बात की थी,
हर गरीब व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने की बात की, झूठ था। मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए, अगर मैं चाहूं, अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के 20% गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहे तो साल के कितना पैसा डाल सकते हैं? उन्होंने मुझे कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा, देखिए मुझे सवाल मत पूछिए, मुझे जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना है, मगर मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं और मैं पहले ही समझना चाहता हूं कि महीने का कितना पैसा डाला जा सकता है। आप पता लगाइए। फिर उन्होंने मुझे कहा, आप कितने लोगों की बात कर रहे हो? मैंने कहा 20% हिंदुस्तान के गरीब लोग। मुझे कहते हैं 5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ परिवारों की बात कर रहे हो, 25 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, मैं 5 करोड़ परिवारों की बात कर रहा हूं, मैं और कांग्रेस पार्टी इन 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहती है। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, जाइए स्टडी कीजिए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछिए, विद्वानों से पूछिए। एक ही शर्त है, अर्थव्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वापस आएंगे तो मुझे लंबा भाषण मत देना, मन की बात मत बताना, उल्टी सीधी बातें मत करना। मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए आपसे, कागज पे मुझे एक नंबर लिख के दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। कुछ दिन पहले मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिखा था, 72,000 रुपए। मैंने उनसे पूछा, ठहरिए ठहरिए, अभी तारीख मत बताइए। मैंने उनसे पूछा 72,000 का मतलब क्या? 10 साल में 72,000, 20 साल में 72,000, कितने टाइम में 72,000? कहते राहुल जी, 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। आप सोचिए, हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति जिसको नरेंद्र मोदी ने लूटा है, 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ गरीब लोग, सबके बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए। छोटा काम नहीं है भाइयों बहनों, ऐतिहासिक काम है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में आएगा, यहाँ ज्यादा गरीबी है। यहाँ बहुत सारे खुश हैं, अभी आपने ताली बजाई, बड़े खुश हुए, मगर गुस्सा मत होना। 3,60,000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है, उनसे ले लेना, उनसे ले लेना, उनसे गुस्सा मत होना, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए कांग्रेस पार्टी डाल के दे देगी। अब आप कहोगे, नहीं सुनो, अब आप कहोगे अच्छा 15 लाख की तो बात नरेंद्र मोदी ने की थी, अब राहुल गांधी 3,60,000 की बात करता है। मगर आप एक बात याद रखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव में, इसी स्टेट से, ऐसे ही स्टेट से मैंने चुनाव में कहा था, भाइयों और बहनों, चुनाव के 10 दिन के अंदर आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
चुनाव के 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ शुरू होना हो जाए। मैं जो कहता हूं भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं। कमलनाथ जी ने अभी आपको बताया कि किसानों का कर्जा आधा माफ हो गया है और चुनाव के एकदम बाद बाकी माफ हो जाएगा। और मैं आपको यहां से गारंटी दे रहा हूं, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ बैंक अकाउंट में महिलाओं के नाम कांग्रेस पार्टी डालते दिखा दी। अच्छा एक नाम आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बैंक अकाउंट खुलवाए, बैंक अकाउंट खुलवाए, उसमें से उन्होंने पैसा आपका निकाला, उसमें पैसा को निकाला ना नरेंद्र मोदी ने, निकाला ना। अब देखना वो सब जो बैंक अकाउंट नरेंद्र मोदी ने खोले ना, सब बैंक अकाउंट में 5 करोड़ बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए, हर साल 72,000, 5 साल के अंदर 3,60,000 मेरा काम। न्याय योजना 72,000 गरीबी का भार, यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। एक झटका मारेंगे और हमेशा के लिए गरीबी मिटा देंगे। अब चलते हैं किसानों की बात। यह हमने आपका कर्जा माफ किया और वो आधा हो गया है, कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। मगर जब हम नेशनल मैनिफेस्टो बना रहे थे, हमने हजारों किसानों से बात की और उनसे हमने 2-3 सवाल पूछे। हमने पूछा भैया बताओ, देश का मैनिफेस्टो बन रहा है, आप देश के लिए काम करते हो, खून पसीना देते हो, आप हमें बताओ हम आपके लिए क्या करें, क्या करा जा सकता है हिंदुस्तान के किसान के लिए। और आपने हिंदुस्तान के किसानों ने हमें 2 चीजें कही। पहली बार उन्होंने कहा कि राहुल जी, हमने एक बात देखी है कि अनिल अंबानी जैसे चोर 45,000 करोड़ रुपए बैंक से लेते हैं, वापस नहीं देते हैं, और ये प्राइवेट हवाई जहाज में घूमते हैं। विजय माल्या लंदन में बैठा है, नीरव मोदी लंदन में बैठा है, दिन भर मौज करता है। मगर अगर मध्य प्रदेश का किसान 10,000 करोड़ छोड़िए, अगर वो 20,000 रुपए का बैंक लोन लेता है और वापस नहीं देता है, तो पुलिस वाले आके उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। किसानों ने मुझसे पूछा, क्या आपको सही लगता है, क्या न्याय लगता है कि अरबपति कर्जा ले भाग जाए और किसान खून पसीना दे, 20,000 रुपए ना लौटा है तो जेल जाए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत लगता है, न्याय नहीं अन्याय है। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसके बारे में आप कीजिए, और आज मैं खुशी से आपको बताना चाहता हूं हमने क्या किया। मैंने पैसों में निर्देश दिया, एक लाइन, ऐतिहासिक लाइन, लंबा भाषण में हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। खत्म कहानी। अगर आप अनिल अंबानी को जेल में नहीं डालोगे, हम हिंदुस्तान के किसान को जेल में नहीं डाले। किसान ने दूसरी बात कही, कहा पहले रेलवे बजट होता था, पूरा देश देखता था कि रेलवे में कितना पैसा लगेगा, सरकार कितना पैसा लेगी, रेलवे लाइन कहां लगेगी, स्टेशन कहां बनेगा, ओवरब्रिज कहां बनेगा, क्यों नहीं, किसानों ने हमें कहा क्यों नहीं नेशनल बजट के साथ आप हिंदुस्तान के किसानों के लिए भी एक बजट बनाए। हमें साल की शुरुआत में ही बता दें कि हिंदुस्तान की सरकार इस देश के किसान
किसान के लिए कितना पैसा देगी और क्या क्या करेगी। मैंने पैसों में किसान के लिए दूसरी लाइन 2019 में चुनाव जीतने के कम बाद जब कांग्रेस पार्टी नेशनल बजट पास करेगी, नेशनल बजट के साथ किसान बजट पास होगा और किसान बजट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के किसानों को उठाएगी कि इस साल इतने हजार करोड़ रुपए हम किसानों के लिए दे रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार बताएगी कि आपकी एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, आंधी आएगा तूफान आएगी इतना मुआवजा इतना कॉम्पेंसेशन आपको दिया जाएगा, इतना बोनस आपको दिया जाएगा, इस प्रकार की फैक्ट्री इस डिस्ट्रिक्ट में लगेगी पूरा का पूरा। साथ ही शुरुआत में हिंदुस्तान के किसान को पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी, हम आपके दिल से घर मिटाना चाहते हैं, इसे हमने कर्जा माफी की, इसीलिए हम आपको कर्जा लौटाने पर जेल में नहीं डालने देंगे और इसीलिए हम किसान बजट आपको देंगे पेश करेंगे। ये सब बात हमारे मन की बात नहीं है, ये कमलनाथ जी राहुल गांधी मन की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के गरीबों की मन की बात है। हमने आपका आदर किया, आपके पास आए, हमने आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है, आपने हमें बताया कर्जा माफ कीजिए हमने किया, नया एक बजट दीजिए हम देंगे। तो हम जो आप कहते हो आपकी मन की बात सुनते हैं और हम आपके लिए आपकी मन की बात करते हैं। हम यहां बहुत सारे युवा हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कितनों को मिला? भाइयों और बहनों 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान। नोटबंदी की गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, छोटे दुकानदारों को खत्म किया, छोटे बिजनेस वालों को नष्ट किया, मिडिल साइज बिजनेस वालों की धज्जियां उड़ाई, हंसते हुए किया। हमारा पहला काम ये 5 अलग अलग टैक्स वाला जीए गब्बर सिंह टैक्स, 28% वाला गब्बर सिंह टैक्स, हर महीने 10 फॉर्म भरने वाला गब्बर सिंह टैक्स, इसे हम जीएसटी में बदलेंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा और कम से कम फॉर्म भरनी पड़ेगी। पहला काम छोटे दुकानदारों के लिए व्यापारियों के लिए न्याय योजना की मैंने बात की, न्याय योजना का दूसरा भी लक्ष्य, पहला लक्ष्य गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, दूसरा लक्ष्य उतना ही जरूरी। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपसे रिला लो आपकी जेब में से पैसा निकाला, आप बैंक के सामने खड़े थे ना, खड़े थे आप सब लोग, माता जी आप बैंक के सामने खड़ी थी है ना, आप सबके जेब में से पैसा निकाला, आपके जेब में से पैसा निकाला, बैंक में डाला आपने, नीरव मोदी के जेब में डाला, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी जी ने आपके बैंक अकाउंट से आपके जेब से पैसा निकाला, इन माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, आपने माल खरीद का भर किया, शर्ट पैंट साड़ी टेलीफोन आपने सब माल खरीदना बंद किया, पैसा नहीं था। जैसे आपने माल खरीदना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, दुकानदारों ने बेचना बंद किया, जैसे ही फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया वैसे ही फैक्ट्रियों के मालिकों ने कहा कि भैया, युवाओं को कहा भैया आपकी जरूरत नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गई तो आपको मतलब यहां हम पैसा क्यों दें, आप जाइए घर जाइए। बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी इसलिए बड़ी भाइयों और बहनों क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकालकर उन चोरों के जेब में पैसा डाला है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू की, अब न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट रिसीव था, 3,07,000 पांच साल के अंदर, ये पैसा जैसे ही आपके जेब में जाएगा माताओं बहनों के हाथ में जाएगा आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, आपने जैसे शर्ट पहनी हुई आप एक नई शर्ट पहनोगे, नई शर्ट खरीदोगे, दुकानदार शर्ट बेचेंगे,
हिंदुस्तान की फैक्ट्री अशर्त बनाना शुरू करेंगे, जूता, पैंट, चश्मे, सेलफोन सब कुछ बनाना शुरू करेंगे, फैक्ट्री का माल बनाना शुरू करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर इस बात है 12 साल का बच्चा समझ सकता है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई बात नहीं समझेगी। मैंने कल पूछा रहा है वहां सुल्तानपुर में बच्चा था, मेरे भाषण चल रहा था, 12 साल का था, खड़ा हुआ था, मैंने उससे पूछा भैया एक बात बताओ, 12 साल के आयु क्या है तुम्हारी, 12 साल का, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सवाल पूछना चाहता हूं उनसे, अगर 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट रद्द कर दिया गया तो देश को फायदा होगा या नुकसान? 12 साल का बच्चा कहता है भैया नुकसान होगा, 12 साल का बच्चा कहता है नुकसान होगा, मेरे पूरे नुकसान भी होगा कहता है, लोग कितना नहीं खरीद पाएंगे, 12 साल का बच्चा समझता है नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ पाए, या शायद बहुत अच्छी तरह समझे मगर आपके जेब में से पैसा निकालना था, अनिल अंबानी जेब में डालना था, चौकीदार न्याय योजना युवाओं को रोजगार देगी, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देगी, पर हम वहां नहीं रुकेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मैं झूठी बोलूंगा, न्याय योजना से लाखों करोड़ों को मिलेगा, मगर मैं वहां नहीं रुकना चाहता हूं। मैंने पता लगाया 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां भर के आपको दिला दूसरी बात 10 लाख युवाओं को पंचायत में पता लगाया है सब आंकड़े निकाले मैंने काम करता हूं छोटे शब्द नहीं है 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है मैं इसे ऐसे कहता हूं 10 लाख युवाओं को पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी। अच्छा पहले बोलूंगा रोजगार नहीं देते आदिवासियों को फायदा होता था दलितों को गरीब लोगों को फायदा होता था अब मैं आपको बता देता हूं 100 दिन नहीं मिलेंगे 150 दिन मिलेंगे। मगर सबसे मजेदार चीज मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूं हमने आपसे भी बात की बहुत सारे युवाओं ने हमें कहा नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का धोखा दिया स्टार्टअप इंडिया का झूठ बोला उन्होंने हमें कहा हम भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं हम भी उद्योग लगाना चाहते हैं हम भी फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं उन्होंने कहा तो बताओ क्या करें कहते देखिए जब भी हम बिजनेस चालू करना चाहते हैं पहला काम हमें सरकारी डिपार्टमेंट में जाके परमिशन लेनी पड़ती है 10-15 डिपार्टमेंट पे 2-3 दिन इधर परमिशन लो फिर उसके बाद 5-10 दिन उधर परमिशन लो 15 दिन उधर परमिशन लो पता लगता है 6-7 महीने लगते हैं परमिशन लेते जाओ तो अपने का क्या करें कहते हैं आप सोचिए सोचा मैं आपको बताता हूं क्या करें 2019 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है छोटा बिजनेस हो मिडिल साइज बिजनेस हो उसे किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं खत्म था कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं आप बहुत बड़ी बात आप जाओ जो बिजनेस चालू करना है चालू करो हिंदुस्तान को रोजगार दे दो और 3 साल बाद जब आपके पास 30-40 लोग काम करें जब आपकी दुकान चालू हो जाए आप सरकार के पास जाओ और कहो देखो भैया मेरा बिजनेस है 3 साल से मैं चला रहा हूं अच्छे पैसे बन रहे हैं और मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूं बाद में परमिशन ले लेना अगर आपका बिजनेस सफल नहीं हुआ 3 साल के अंदर कोई परमिशन की जरूरत नहीं फिर से सोच आपकी है मेरी सोच नहीं है हिंदुस्तान की सोच है
ये देश बहुत होशियार है, ईमानदार है, सब कुछ समझता है। मोदी जी लाल में खड़े होते कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था, मैं आया तो हाथी जग गया। अपमान करते हैं आपका, कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, आपके माता पिता का अपमान करते हैं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, बिजनेस वालों का, सेना वालों का, आर्मी एयरफोर्स नेवी का अपमान करते हैं। क्या आर्मी सोनी थी, सेना सोनी थी या नरेंद्र मोदी के आने से पहले? क्या एयरफोर्स सोनी थी, क्या नेवी वाले सो रहे थे, सीआरपीएफ वाले सो रहे थे क्या? अपमान का क्या सबका है, मन की बात। अरे किसी का इंटरेस्ट नहीं है नरेंद्र मोदी की मन की बात में, देश को देश की मन की बात में इंटरेस्ट है। देश ये जानना चाहता है, देश समझना चाहता है कि किसान के मन के बाद मन के अंदर क्या है, मजदूर के दिल में क्या है, युवाओं के दिल में क्या है, देश ये समझना चाहता है। और भाई और बहन, मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है, कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, इस देश को आप सब चलाते हो, ये देश आप सबका है और शक्ति आप में है। आखिरी बात में आदिवासी भाइयों के लिए कहना चाहता हूं, देखिए हमने आदिवासी बिल नया कानून बनाया था आपके लिए, उसमें जल, जमीन और जंगल, इन चीजों की आपके लिए रक्षा की। आदिवासियों से, किसानों से जमीन नहीं छीनी जा सकती, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर जमीन चाहिए, और बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती। जंगल में जो है वो आदिवासियों को मिलेगा, हमने बिल में साफ लिखा था, और इन चीजों को कमलनाथ जी इंपोर्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर में टाटा कंपनी, सुनिए, टाटा कंपनी ने जमीन ले रखी थी, जमीन अधिकार बिल में कानून ने लिखा था कि अगर 5 साल के अंदर उद्योगपति ने उद्योग नहीं लगाया तो जमीन वापस किसानों को मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर में टाटा कंपनी की जमीन आदिवासियों को वापस दी गई है। अब नरेंद्र मोदी ने नया कानून बनाया, आदिवासियों के लिए नया कानून बनाया, उसमें एक लाइन लिखी है कि आदिवासियों को गोली से मारा जा सकेगा, कानून ने लिखा है कि आदिवासियों पर आक्रमण होगा, आपकी जमीन छीनते हैं, जंगल लेते हैं, घर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि आदिवासियों को गोली मार दी जा सकती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होगा, एक झंडा भैया, दो तीन झंडे नहीं है, एक झंडा होगा, उसमें सब लोगों को न्याय मिलेगा, गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, छोटे दुकानदारों को, सबको न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार चलाती है, हम 15 लोगों की सरकार नहीं चलाते, अनिल अंबानी की सरकार नहीं चलाते, राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने रोके दिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है इंटरनेट पे देख लेना, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को देना है, 526 करोड़ रुपए में हवाई जहाज नहीं खरीदा, 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनेगा, फ्रांस बनेगा। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड को कहा, भाइयों और बहनों आपने उनका झूठ सुना, 5 साल आपने देखा, अब सच्चाई का वक्त आ गया है, न्याय का वक्त आ गया है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताइए,
और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता हूं, असेंबली इलेक्शन में आपने जिताया और पूरा दम लगा के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जिताइए, दिल्ली में सरकार बनाइए। दिल से आपका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आशीर्वाद भूल गया माता, मैंने आपका आशीर्वाद भूल गया। मैंने कहा 5 करोड़ बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, मगर आप ये दूसरी और चीजें करना चाहते हैं। पहला काम विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में 33% रिजर्वेशन हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए 2019 में। दूसरा काम हिंदुस्तान की सरकार में 33% रिजर्वेशन नौकरियों में हमारी माताओं बहनों के लिए। ये जो काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय धन्यवाद प्रस्तावों के लिए, आभार के लिए आदरणीय संसदीय क्षेत्र के सीनियर नेता किसान राजू को मंजूरी करता हूं। हमारे बीच में हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आए। मैं शहडोल संभाग के जनता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जितने ग्रुप में हमारे भाई बहने संभाग के आए